हो जाते जी हाँ। अच्छा वो स्नूकर के साथ चले, मेहरबानी। एक मिनट भाई साहब, जरा रुकिए। भाई साहब, वाह जी वाह। जी जी फरमाए जी। वो क्या नाम है आपके आपके लड़के का? हमजा। कोई उधार तो नहीं ले गया? देखे बहन जी, चाहे वो मेरी औलाद है लेकिन लेन देन अपना अपना, माशाल्लाह अच्छी खासी कमाई करता है, अपना उधार खुद उतारेगा। नहीं नहीं, उधार तो मैं रखती नहीं हूँ दुकान पे, कोई और बात करनी थी। वो मैंने अपनी अपनी बेटी के बारे में बात करनी थी उससे। बेटी के बारे में? हमसा की बात? ओ ठीक है बहन जी, लेकिन ये बातें इस तरह चौक चौराहों में ऐसे तो नहीं होती ना जी। आप शाम को हमारे गरीब खाने पे तशरीफ लाए, चाय शाय पियेंगे, फिर इत्मीनान से बैठ के बात करेंगे। ओ हाँ जी बिल्कुल, सौ बिस्मिल्ला जी, मिल बैठ के तय कर लेंगे। आ जाऊंगी, वैसे जरा सी बात थी यहीं पे हो जाती, लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगी। हाँ आजी आजी, और मेहमान आ गए हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। दिल पत्री जी, दिल है बिस्मिल्लाह जी, तशरीफ रखे तुम। दरअसल जाती तौर पे मुझे मुनासिब तो नहीं लगता, लेकिन वो बेटी के मुस्तकबिल का सवाल है तो मैंने सोचा खुद ही हाजिर। आने जी नहीं, वेलकम जी वेलकम। चंगा किया आपने, बहुत अच्छा किया। और देखो ना जी, चाय ले गया। नहीं, चाय की जरूरत नहीं। नहीं, चाय तो पीनी पड़ेगी, दरअसल हमारे घर में कोई खतून नहीं है तो चाय मैं ही बनाता हूँ, मैं बना के लाया। नहीं फिर तो आप रहने दे। ऐसे बन जी। नहीं आप रहने दे, क्योंकि मुझे आप ही से बात करनी है, आपका होना जरूरी है। ओ जी बात करें आप, अभी मैं जिंदा हूँ जी, वड्डा हूँ इस घर का, सारे फैसले मैं करता हूँ। अब्बा जी करते हैं? हाँ। अच्छा हाँ। दरअसल मैंने सुना आपका आपका पोता ट्यूशन पढ़ाता है। ओ नहीं जी नहीं। ट्यूशन को ऐसे नहीं कि कोई पक्का पुक्का काम है, वैसे नहीं, वो तो एम ही शौकिया पढ़ाता है, तो वैसे उसकी नौकरी पक्की है, मजबूत। हाँ जी एम ही पढ़ाता है, आरे लगा रहे है। देखो ना बेटा, आप मुंडे खुंडे अवरावृत्ति करें तो कुछ अच्छा नहीं लगता ना। ये बात बेहतर है कि उनका ध्यान कहीं और लगा रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बीवी आ जाएगी, छोड़ देगा ट्यूशन? बिल्कुल नहीं, लेकिन छोड़ने की क्या जरूरत है, मतलब ट्यूशन तो अच्छी आमदनी है। बिल्कुल हाँ? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप कहेंगी तो नहीं छोड़ेगा। अच्छा हाँ? दरअसल मेरी बेटी जो है वो एफए के पर्चे देने वाली है। दरअसल ना वो पढ़ाई में जरा कमजोर है, उसका दिमाग अपनी खाला पे चला गया है, मुझे तो डर है इस साल रह ही ना जाए। ठीक है मुस्कुरा, लड़कियों ने पढ़ के करना भी क्या। नहीं, लड़कियों की पढ़ाई बहुत जरूरी है, मतलब आज की दुनिया में तो औरत को अपने कदमों पे खड़ा होना चाहिए ना, डिग्री होनी चाहिए पास, ताकि अच्छे बुरे वक्त में काम आए। बिल्कुल सही कहा आपने, आपने तो मेरे दिल की बात कह दी है। अब्बा जी अब वो जमाना नहीं रहा कि एक कमाए और छह खाएं, मियां बीवी रल मिल के कमाते हैं। सही जैसे आप कहें। अच्छा खैर, मैं दरअसल ये चाह रही थी कि आपका बेटा और मेरी बेटी। अच्छा जी बात यह है कि चाय से आपने इनकार कर दिया है, मिठाई खाने से इनकार मत कीजिए। नहीं, मिठाई आएगी जी, दिल पाल आए। मुंह मीठा करके जाएंगे। ये ले ना जी, ये ले। मैं ना दरअसल ज्यादा लोगों से मिलती जुलती नहीं। हाँ। बेटी का मामला ना होता तो मैं चल के ना आती आपके यहाँ, पर भी आप लोगों से मिलके बहुत खुशी। आने, 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 बहुत अच्छे लोग हैं आप भी। मिलने जुलने से ही खानदान का पता चलता है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर हम पैसों की भी बात तय कर लेना तो मैं बात पक्की समझ। पैसे खोते कह रहे खानदानी कुड़ी की। आप लोग कर लें आपस में मशवरा, अपने बेटे से भी पूछ लें, लेकिन देखिए भाई आप जरा लिहाज रखिएगा, ज्यादा देने की हैसियत नहीं है मेरी।
ज्यादा देने की देने की भाई जी तो बात कर रही है शुक्राना नहीं चाहिए और मेरा तरह निकल गया देने की बात ये नहीं चाहिए नहीं नहीं फॉरगेट इट ओ लानत नहीं हमें भी घर देख रही हैं आप बात तो सुने ना ये तो ज्यादती है भाई देखे देखे फीस तो हक है ना उसका मतलब आप मुझे बता देना कि दो घंटे के कितनी फीस होगी फीस दो घंटे हाँ दो घंटे काफी होंगे अंग्रेजी और तारीख एफए की तारीख पढ़ा लेगा ना आपका बच्चा क्या कह रही तारीख क्या हुआ अंग्रेजी और तारीख तो आप बता दें कि महाना कितनी फीस होगी दो घंटे की मतलब दो घंटे की महाना ट्यूशन की कितनी फीस होगी ये पूछ रही हूँ 5000